क्या कोरोना के बहाने कुचला जाएगा किसान आंदोलन। क्या कोरोना की आपदा में किसानों को हटाने का अवसर तलाश लेगी मोदी सरकार। अगर आपको लगता है ये किसान कोरोना का हवाला देके उठा दिए जाएंगे तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो मोदी जी। जैसे जैसे देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी आशंका होने लगी है कि कोरोना के नाम पर मोदी सरकार किसानों को भी कुचल सकती है। दबी जुबान में लोग तो पहले ही इस आशंका के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अब मीडिया में भी ऐसी खबरें आने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार आपदा में अवसर ढूंढ सकती है और जिस तरह से पिछले साल कोरोना के बहाने शाहीन बाग से आंदोलनकारियों को हटाया गया था उसी तरह दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे किसानों पर भी पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोदी सरकार किसानों पर भी कार्रवाई करवा सकती है। नवंबर से ही पंजाब हरियाणा राजस्थान और यूपी के लाखों किसान टीकरी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की कोई बात नहीं मानी। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि अब सरकार किसानों से कोई बात नहीं करना चाहती इसलिए आंदोलन को जबरन खत्म कराया जा सकता है। देश भर में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए इसकी आशंका और बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैली से कोरोना नहीं फैलता तो भला किसान आंदोलन से कैसे फैल जाएगा। सुनिए एक नन्ही से बच्ची ने इस बारे में पीएम मोदी से क्या कहा। सभी किसान भाइयों को सियापुर की तरफ से राम राम। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ इस कोरोना से आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या? ये सब जगह में तो फैल जाता है बस आपकी रैलियों में नहीं आता। ये दोगली राजनीति छोड़ दो मोदी जी। अगर आपको लगता है ये किसान कोरोना का हवाला दे के उठा दिए जाएंगे तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो मोदी जी। देखो मोदी जी सीधी सी बात है अगर ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो तो वैसे भी किसान तो मारे ही जाएंगे। क्यों ना हम अपनी रोटी के लिए अपनी जमीन के लिए अपने हक के लिए लड़कर मरे। मोदी जी लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है सभी का खून है इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। जय जवान जय किसान धन्यवाद। किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसानों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। मोदी सरकार ने जिस निर्ममता से किसानों के साथ व्यवहार किया है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। अभी मोदी जी ना बात कर रहे हैं ना मीटिंग हो रही है ऐसा लग नहीं रहा कि बात मानी जाएगी आप लोगों की। बात तो भगवान मनाएगा बाकी मोदी जी देखो हमने वोट डाली है मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ स्टेज पे आगे ऐलान कर देते हैं 1 घंटे में ये रोड खाली हो जाएगा। कभी बोलते हैं ना भाई ये कांग्रेस ने लगा दिया जी कभी किसी ने नहीं लगाया। ये निखालस किसान है किसानों का मसला है तीनों बिल वापस करवाने। अगर मोदी साहब यहाँ आ जाए हम हार डालेंगे हमारे प्रधानमंत्री हैं यार कोई दूसरे देश के थोड़ो हैं। कोई बात नहीं गलती भी हो जाती है बड़ों बड़ों से हो जाती है। अगर यहाँ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे आगे एक बार ऐलान कर दें भी जो भी हो गया लो भी हम वापस करते हैं। आपके इतने सारे साथी शहीद हो गए हैं 300 से ज़्यादा और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई बहुत 300 के ऊपर बंदा गुजर चुके थे और गुजर रहे ने गर्मी महीना वो कर रहे हैं अभी ऐसे करके उसे बैठे भी जिन्ना चिर आया पास कराए बगैर कोई बात नहीं जाऊँगा। कितनी उम्र है? उम्र 80 साल है। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ बीक।